लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पहली बार वोटरों को रिझाने के लिए नमो नव मतदाता सम्मेलन कर रही है। इंदौर में भी नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया, देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर में आयोजित किए गए नव मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए युवाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को वर्चुअली सुना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजयुमो अध्यक्ष सौगात मिश्रा और बीजेपी नेता अशोक चौहान चांदू समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजयुमो शहर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने बताया कि इंदौर में आयोजित सम्मेलन में युवाओं की बड़ी संख्या नजर आई। भारतवर्ष में नमो नव मतदाता सम्मेलन जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत के 5000 स्थानों में 50 लाख युवाओं से अधिक प्रथम बार के वोटरों को जो कि भारत का भविष्य है, इसे देश के प्रधानमंत्री जी का विचार है कि हमारा भारत पूरा भारत है उसको लेकर संबोधित करने के लिए वर्चुअली इंटरेक्ट हो रहे हैं 50 लाख से अधिक युवाओं से। उसी निमित्त समूचे मध्य प्रदेश में भी यशस्वी हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश के 460 स्थानों में और इंदौर में भी ऐसे 11 स्थानों में कार्यक्रम हुआ क्योंकि आज विधानसभा एक के आप जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर मैंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री लोकप्रिय विधायक सम्मानी कैलाश जी वैसे उपस्थित थे और आज देख रहे हैं प्रथम बार के वोटरों में कितना जबरदस्त उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जनहितैषी युवा कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रथम बार के वोटरों को आमंत्रित करके ये कार्यक्रम किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पहली बार वोटरों को रिझाने के लिए नमो नव मतदाता सम्मेलन कर रही है। इंदौर में भी नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।